असलम स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन मैं मोहम्मद वकास हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर और ये है आपका चैनल एम डब्ल्यू एस केमस्ट्री और आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं विच इज़ जॉन टेलर थ्यूरम एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज़ जॉन टेलर डिस्टॉशन देखें जो हमारे पास कोआर्डिनेशन कंपाउंड हैं ये प्रिंसिपल ये थ्यूरम उन पर अप्लाई होता है उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है और स्पेशली यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में ओक्ट्रा हेडल कॉम्प्लेक्सेज की जो है वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे कि जब उनके ऊपर लिगेंस अप्रोच करते हैं एम टॉकिंग अबाउट ऑक्ट्रा हेडल कॉम्प्लेक्सेज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स जब उनके ऊपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन जो uh, करने के लिए लिगन अप्रोच करते हैं तो फिर वहाँ पे रिपल्शन होती है और रिपल्शन के नतीजे में मॉलिक्यूल uh, डिस्टॉर्शन होती है ठीक हो गया अब नॉर्मल जो हमारे पास स्टेबिलिटी प्रिंसिपल है ना वो क्या कहता है फिर मैं ये जो स्टेटमेंट लिखे इस पर आता हूँ जो हमारे पास नॉर्मल स्टेबिलिटी के लिए प्रिंसिपल होता है वो ये होता है ये मैं आपको यहाँ पे क्या लिख दिया नॉर्मल स्टेबिलिटी आपने परेशान नहीं होना आ, मैं कोशिश करूँगा इसको बहुत ही आसान वर्डिंग में आपके सामने जो है इसको प्रेजेंट करूँ तो देखो नॉर्मल स्टेबिलिटी प्रिंसिपल ये होता है कि हमारे पास एनर्जी कम हो ज़ाहरी बात है जितनी कम एनर्जी होती है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है जितनी कम एनर्जी हो और सिमिट्री हमारे पास मैक्सिमम हो सिमिट्री क्या होती है लाइक अगर हम बात करें एक सर्कल की तो सर्कल सेंटर से हर अपने एक पॉइंट जो सर्कम का होता है उस तक इक्वल डिस्टेंस के साथ होता है तो सर्कल बहुत ज़्यादा सिमिट्रिकल होता है तो जितनी ज़्यादा किसी चीज़ में सिमिट्री पाई जाती है Uh, उसी uh, उसमें उतनी एनर्जी कम होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा ये तो जनरल uh, जो नॉर्मल प्रिंसिपल है लेकिन जो हमारे पास जॉन टेलर प्रिंसिपल है वो ये ऐसा नहीं कहता ठीक है जो हमारे पास जॉन टेलर इफेक्ट है जॉन uh, टेलर इफेक्ट जो है ये हमें क्या कहता है हाँ ये हमें बताता है कि हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल तब होगा और ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात हो रही है जब उसमें कम सिमेट्री होगी है ना यानी उसमें सिमिट्री हमारे पास कम हो जाएगी यस yes. और उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी अच्छा यहाँ पे ये देखें आ, थोड़ा डेविएशन है यानी एक्सेप्शनल बिहेवियर है दिस वन इज़ एक्सेप्शनल केस आप यूं कह लो जनरली ऐसे नहीं होता तो जारी बात है जब वो थोड़ी हट के बात कर रहा है यहाँ पे, एक्सेप्शनली तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे कम स्मिट्री में एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे जॉन टेलर के मुताबिक स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी ठीक है नॉर्मल प्रिंसिपल क्या है नॉर्मल स्टेबिलिटी प्रिंसिपल ये है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ठीक है स्टेबिलिटी पहले तो इस बात को सीखेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जब एनर्जी कम होगी और सीमिट्री हाई होगी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं सिमिट्री को कम कर दें कम सिमेट्री के साथ कम एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी यानी ये जो एक पॉइंट है ना ये वाला यहाँ पे हम कह रहे हैं यस yes. सिमेट्री कम होनी चाहिए यहाँ पे हम कह रहे हैं सिमेट्री ज़्यादा होनी चाहिए तो नॉर्मल प्रिंसिपल यही है कि सिमेट्री ज़्यादा हो एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन एक्सेप्शनली इन जॉन टेलर थ्योरम सिमेट्री कम होगी एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एंड ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे? यस ओक्टा हैड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक तो ये बात यह चीज हमें कहां पे मिलेगी यस ओक्टा हेड्रल में जारी बात है यहां पे जो क्वार नंबर होगा ये सिक्स होगा क्वारिनेशन नंबर सिक्स होगा और ओक्टा हेडल यहां पर जो बनेगी यहां पर हमें यह इफेक्ट देखने को मिलेगा अच्छा इसमें भी एक चीज आपने याद रखनी है जो हमारे पास यहां पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे ना यानी जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी हम सी के मुताबिक देखते हैं स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की तो अगर स्प्लिटिंग uh, के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं है ना एनर्जी गैप ज़्यादा रहता है यानी ये जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी होती है सी एस एफ क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये जो हमारे पास एनर्जी है ये जब ज़्यादा होती है तो हमारे पास जो आ, गैप है है ना बिटवीन दी ऑर्बिटल्स वो बढ़ जाता है उनकी जो स्प्लिटिंग होती है वो ज़्यादा एनर्जी के साथ होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं तो ऐसे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको लो स्पिन कहते हैं तो ये जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज है ना स्टूडेंट्स इनमें आपको ज़्यादा डिस्टॉर्शन जो है वो काम करते हुए नज़र आएगी इसी तरह जो हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं ना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपको ज़्यादा मिलेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर है ना ये सारी चीज़ें मैंने आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में एक्सप्लेन ऑलरेडी वैसे कर दी हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्ट्राहीड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी है ये कम रहती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम पेयर्ड हो पाते हैं तो यहाँ पर ये इफेक्ट काम नहीं करता ये बात आपने याद रखनी है ये जो जॉन टेलर इफेक्ट है या प्रिंसिपल है या डिस्टॉर्शन है ये ज़्यादा वहाँ पाई जाती है जहाँ पे लो स्पिन हो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा होती है अब क्या होता है देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक जो स्प्लिटिंग होती है आई रियली होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी अभी ये जो स्टेटमेंट है ना इस पर अभी मैं आया नहीं हूँ अभी आते हैं इस पर जी ये थ्योरी पढ़ाते हुए मैं एज्यूम करूंगा कि आपको जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक जो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑक्टा हेडल कॉम्प्लेक्सेज वो पता है तो देखें हमारे पास टोटल में आ, पांच जो हैं वो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव नेम इनके हमारे पास होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स डी एक्स माइनस वाई ठीक है एंड द लास्ट वन इज़ डी जी अगर हम इनकी स्प्लिटिंग की बात करें तो स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है यहाँ पे ठीक है तीन जो होते हैं ना हमारे पास ये डी एक्स वाई डी वाई जी और डी जी एक्स ये जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ये बिटवीन दी एक्सेज होते हैं और जब लिगेंट्स अप्रोच करते हैं ना ऑक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस में तो ये ऑन दी एक्सेज अप्रोच करते हैं तो ऑन दी एक्सेज तो हमारे पास दो होते हैं डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जी स्केयर तो इनमें ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाती है ठीक है इनमें ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो ये एनर्जी में ऊपर चले जाते हैं अब यहाँ पे जो क्रिस्टल फीड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मुताबिक ये कम एनर्जी में चले जाते हैं पॉइंट फोर और ये ज़्यादा एनर्जी में चले जाते हैं और ये एनर्जी ज़्यादा होती है ज़ीरो पॉइंट सिक्स ठीक है ये प्लस में होती है ये इजाफा हुआ है ना एनर्जी में अच्छा अब आ, ये जो हमारे पास तीन होते हैं ना इनको हम कहते हैं टिप ट्रिपली डी जनरेट ऑर्बिटल्स और ये ई जी डब्ली डी जनरेट अटामिकर्बिटल्स होते हैं इनके नाम है ये अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर थ्योरम जब लीगर्स अप्रोच कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स पे तो ये जो डी जेनरेट है ना दो ये वाले डी जनरेट यह अपनी डी जेनरेसी में लॉस कर देते हैं ठीक है लॉस इन देयर डी जेनरेसी क्यों करते हैं भाई ये स्टेबल नहीं होते येस yes. अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपनी स्मिट्री में कमी ले आते हैं इससे एनर्जी में कमी आती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है लेकिन ये एक्सेप्शनली मैं आपको बता चुका हूँ ऐसा होता है अब क्या था देखें एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अब देखो ये जो हमारे पास ऑक्टा हेडल कॉम्प्लेक्स बनेगा ये लीनियर मॉलिक्यूल तो नहीं होगा नॉन लीनियर होगा ना तो एनी नॉन लीनियर सिस्टम जो हमारे पास मॉलिक्यूल सिस्टम होगा प्रोजेसिंग इलेक्ट्रॉनिक डी पहले उसके पास क्या थी इलेक्ट्रॉनिक डी थी जैसे यहाँ पे है अब ये डी विल बी अनस्टेबल ये डीजेनरेसी हो जाएगी अनस्टेबल क्यों होगी उस पर बात करते हैं विल अंडर गोज डिस्ट्रॉशन तो फिर इसमें डीजेनरेसी में डिस्ट्रॉशन होगी डी जनरेट ऑर्बिटल उनको कहते हैं ठीक है अंडर गोज डिस्ट्रॉशन टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ लोअर सिमिट्री तो अब एक ऐसा सिस्टम ये बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी सिमिट्री कम हो मैं आपको पहले बता दूंगा यहां पे कम सिमिट्री कम एनर्जी एज वेल एज लोअर एनर्जी एंड दस डी जनरे विल रिमूव तो इनकी डी जनरे जनरेसी यहां पे रिमूव होगी अब कैसे होगी उस पर तो मैं आता हूँ देखो बेसिकली हमारे पास ना जो ऑक्टा हेडल कॉम्प्लेक्स होता है अगर उसमें सेंट्रल मेटल को मैं एम बना दूँ उसके साथ छः लिगनस होते हैं ठीक है या तो ये जो Z एक्सेस पे दो लिगनस होते हैं ना ये बड़े हो जाते हैं इस तरह एनलार्ज हो जाते हैं बाकी ये तो नॉर्मल रहते हैं अपनी लेंथ में ये लेंथ की एनलार्जमेंट की बात हो रही है देखें ये जो हमारे पास Z एक्सेस पे दो लिगनस हैं ना ये बड़े हो जाएंगे टू मिनिमाइज द रिपल्शन तो यहाँ डी जनरेसी खत्म हो जाएगी यहाँ पे भी डी जनरेसी खत्म होगी ये यह यहाँ पे भी ख़त्म होगी ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आएगी ठीक है दोनों जगहों पे नज़र आएगी टी टू जी में भी और ई जी में भी फॉर देक ऑफ स्टेबिलिटी ठीक है और कम सिमेट्री के साथ अब ये ये जो हमारे पास एनलार्जमेंट हुई है ना इसको हम बोलते हैं जी आउट जी आउट जी, जी, जी एक्सिस पे जो लिगेंट हैं वो बड़े हो गए मीन्स जो Z एक्सेस पे हमारे पास लिगेंड्स हैं उनकी लेंथ बढ़ गई है तो कम रिपल्शन फील करेंगे तो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी इस फिना को हम Z आउट कहते हैं ठीक है इसी तरह अगर हमारे पास ये जो Z एक्सेस पे लिगेंड हैं ये ज़्यादा रिपल्शन इन पर होगी ना तो ये छोटे हो जाएंगे इनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी ऐसा भी होता है ऐसा भी देखने में मिलता है हमें ठीक है इस पर भी हम बात करेंगे और इसको हम बोलते हैं जी इन अब ये आपने दोनों बातें याद रखनी है एक चीज़ हमारे पास जी आउट है देखें जिसमें ये एनलार्जमेंट हुई है यहाँ पे एलोंगेशन कहते हैं हम इसको और ये शॉर्टनिंग कहलाती है जी पे इसको हम जी इन कहेंगे इसको हम जी आउट कहेंगे बेसिकली ये जो हमारे पास डी जनरेसी है ये वैनिश होगी मैं पहले अब बात करूंगा जी आउट में ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी डी जनरेसी कैसे लॉस होगी और फिर मैं बात करूंगा जी इन में कैसे होगी जी अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हम z आउट को बेसिकली देखने लगें z आउट यानी जो हमारे पास z एक्सिस पे लिगेंट्स होते हैं उनमें एनलार्जमेंट उनमें इलॉन्गेशन कैसे होती है ठीक है तो इसको हम देखेंगे यस सी एफ़ टी के मुताबिक और डी जनरेसी कैसे उनमें लॉस हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट या दिस डिस्टॉर्शन प्रिंसिपल तो देखते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे पांच ऑर्बिटल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव पहले मैं स्प्लिटिंग आपको दिखा दूंगा फिर मैं इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करके को एग्जाम्पल लूंगा ठीक है पहले हम इसको स्प्लिटिंग को समझते हैं तो नॉर्मल जो हमारे पास स्प्लिटिंग है वो कुछ इस तरह से है यहाँ पे ये एक दो और यहाँ पे एक दो और ये तीन ठीक है बाकी इनके नाम है हमारे पास डी एक्स वाई डी वाई जी एंड डी जी एक्स और यहाँ पे है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्र और ये है डी जी स्क्र और राइट अब होगा क्या बाकी यहाँ पे तो आपको पता है पहले भी एनर्जी का डिफरेंस तो है, है ये होता है यस ये होता है प्लस जीरो पॉइंट सिक्स और ये होता है हमारे पास माइनस जीरो पॉइंट फोर का ठीक है जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है अब क्या होगा अब यहाँ पे ना इनके अंदर फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी ठीक है इसके अंदर कैसे स्प्लिटिंग होगी जो हमारे पास डी जी स्क्वेयर होगा चूँकि जब एनलार्जमेंट होगी ना यानी यहाँ पे जो हमारे पास जी एक्सिस पे ये लेंथ बड़ी हो जाती है है ना तो यहाँ एनलार्जमेंट के साथ क्या होता है कि जो हमारे पास जी एक्सिस पे लिगेंट अप्रोच कर रहे होते हैं ना वो कम अब रिपल्शन करते हैं जब वो कम रिपल्शन करते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं अपनी डी में लॉस करके यहाँ पर डी में लॉस होगा और यहाँ पर तो देखो फर्दर ये डी जनरेसी में लॉस हुआ तो डी जी स्क्यर नीचे आ जाएगा यहाँ पे और जो हमारे पास क्या नाम है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्यर है ये ऊपर चला जाएगा तो ये देखो डी जनरेसी वैनिश हुई सिमिट्री वैनिश कर गई और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और एनर्जी यहाँ पर कम होगी यहाँ पर अब देखो जिनमें जी आ रहा है ना वाई जी जी, जी एक्स जिनमें जी आ रहा है आ, इनकी एनर्जी कम रहेगी और जिसमें जी नहीं आ रहा उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो ये कुछ इस तरह से होगा यानी ये जो हमारे पास डी एक्स वाई है इसमें जी नहीं आ रहा तो इसकी एनर्जी बड़े ही ज़्यादा हो जाएगी और इन दो की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी इनकी डी भी वैनिश कर जाएगी आई रेरी होप ये स्प्लिटिंग आपको समझ आई होगी एंड दिस स्प्रिट एंड दिस डि लॉस्ट अकॉर्डिंग टू दिस जॉन टेलर थ्योरम या जॉन टेलर डिस्ट्रॉशन ठीक है अब देखें यहाँ तक तो उम्मीद है कि समझ आई होगी अच्छा यहाँ पे जो डिफरेंस इन एनर्जी आता है ना इसको हम कहते हैं पार्शल वन ठीक है पार्शियल वन और इसको हम बोलते हैं पार्शियल टू ये इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अब ये जो डिफरेंस होता है ना ये वन बाई टू का होता है तो इसको हम प्लस वन बाय टू बोलेंगे और इसको माइनस वन बाय टू बोलेंगे और ये होता है वन बाय थ्री का और ये होता है माइनस टू बाय थ्री का ये वैल्यूज आपने याद रखनी है ठीक है तो ये जो डिफरेंस आता है ये इतना होता है एंड दिस इज जी आउट डिस्टॉर्शन अब अगर हम इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल लें और ये आप सपोज कर लो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड इफेक्ट है। अबाउट स्ट्रॉन्ग लिगन इफेक्ट लाइक आप सपोज कर लो यहाँ पे कॉपर सी यू प्लस टू है तो जब सी यू प्लस टू होगी तो इसका मतलब इसके डी के अंदर नो no इलेक्ट्रॉन होंगे अब डी के अंदर नो no इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे देखिए यहां पे फिल कर लें दो यहां ठीक है और, और यहाँ एक आ जाएगा अब जारी बात है यहाँ पे एनर्जी का गैप ज़्यादा है ओक्टा हेडल जो स्टेबलाइजेशन क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा है और यहाँ पर मैंने आपको बताया था आपको जॉन टेलर इफेक्ट नज़र आएगा तो फिर हम क्या कहेंगे फिर हम ये कहेंगे पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे छः जो इलेक्ट्रॉन होंगे पीछे कितने बच के यस वो ऐसे फिल होंगे तो इसमें भी फिर इलेक्ट्रॉन जब डी जनरेसी में अपनी लॉस करेंगे लॉस्ट कर देंगे अपनी डी जनरेसी को तो फिर ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से आपको मिलेगी Uh, यहां एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पे दो होंगे ठीक है तो देखो सॉरी uh, यहां पे एक होगा और यहां पे दो होंगे क्योंकि जारी बात है हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ने बाद में जाना होता है पहले उसने लो एनर्जी में आना है तो देखो पहले क्या था पहले uh, जी में एक इलेक्ट्रॉन था अब जी में दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो स्टेबिलिटी आई ना यस स्टेबिलिटी एक और भी तरह से आई कि यहां से डी जनरेसी में लॉस आ रहा है तो ये जो हमारे पास स्प्रिटिंग होती है इस तरह से इसको हम बोलते हैं जी आउट स्प्लिटिंग और इसमें क्या होता है जो जी पे लिगेंड्स आ, आ रहे होते हैं वो अपनी रिपल्शन को कम करने के लिए एनलार्जमेंट कर देते हैं बॉन्ड एंगल्स के अंदर अगर हम आ, मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी समझ भी आ गया होगा अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट सोचें तो जी ने इन होना है अब क्या होगा जो हमारे पास यहाँ लिगेंड्स हैं उन पर रिपल्शन ज़्यादा होगी वो अपने आप में कंप्रेस हो जाएंगे और पल्यूशन मैक्सिमम होगी तो फिर जो स्प्लिटिंग होगी बिल्कुल टोटली इससे ऑपोजिट होगी लाइक अगर मैं ये आपसे कहूँ ना ये जी आउट नहीं मैं क्या करवाने जा रहा हूँ आपको जी इन तो फिर आपने क्या करना है यस फिर आपने ये करना है यहाँ पे जो लिगेंट्स होंगे ना इनको छोटा कर देना है और वो बाकी तो अपनी जो टेट्रागोनल फॉर्म है वो तो सिंपल रहेगी सिर्फ यहाँ पे क्या होगा स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ बन जाएगा हमारे पास डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और यहाँ पे आ जाएगा डी जी स्क्वेयर एक तो ये हो जाएगा ठीक है दूसरा ये होगा कि ये जो दो होंगे ये ऊपर चले जाएंगे क्योंकि जारी बात है अब z पे रिपल्शन ज़्यादा होगी और x y वाला जो एक है ये नीचे आ जाएगा तो बस ये होगा ठीक हो गया बाकी अगर यही हम सेम एग्ज़ाम्पल कवर करें तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी तरह से हो जाएगी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे भी दो यहाँ पे भी दो और ये बाकी इस तरह से ठीक है तो ये जो हमारे पास अभी हमने स्प्लिटिंग देखी थी ये 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 जी इन है आई रियली होप सारा लेक्चर आपको समझ आया होगा लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो ये है जो हमारे पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थ्योरम है वो ये हमें बताता है कि किस तरह से अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिक्स में होते हैं अपने आप को स्टेबल स्टेबल uh, बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं बाय लूजिंग देयर सिमिट्री बाय लोअरिंग देयर एनर्जी ठीक है टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी और ये Z पे ज्यादा देखने में मिलता है Z एक्सेस पे जिसको हम Z आउट और Z इन लेते हैं और उसमें मैंने आपको स्प्लिटिंग में दो तरह की दोनों तरह की स्प्लिटिंग करके दिखा दी है एग्ज़ाम्पल uh, भी आप इसमें चेंज कर सकते हो like लाइक अगर आप यहाँ पे ये यह नहीं एग्ज़ाम्पल लेना चाहते कोई और कर लो लाइक like आप कोबाल्ट वाली कोई एग्जाम्पल कर लो जैसे ये है हमारे पास ये हमारे पास कोबाल्ट वाली एग्ज़ाम्पल है तो ये यह आप यहाँ पर खुद कर सकते हैं यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है अगर आप प्लस टू वाली लेना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस फोर कर दें तो ये प्लस टू वाली आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगी तो यूँ आप डिफरेंट एग्ज़ाम्पल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं येस yes. तो मुझे पूरी उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा समझ आ गया तो उसको लाइक कर दें शेयर कर दें अल्लाह हाफिज़